दोस्तों आज हम बात करेंगे सफलता के मूल मंत्र। ठीक है, मूल मंत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो किस प्रकार से रहेंगे दोस्तों सफलता के मूल मंत्र, थोड़ा सा ध्यान दें मेरी तरफ। मैं कह रहा दोस्तों, काम क्रोध मोह लोभ इत्यादि का त्याग करो, धैर्य विश्वास हौसलों से हर बार संघर्ष करो, लक्ष्य को निर्धारित करो और कठिन संघर्ष से मंजिल हासिल करने का प्रयास करो। कठिन संघर्ष से मंजिल को हासिल करने का प्रयास करो। विनम्रता से सबसे संवाद करो, विनम्रता से सबसे संवाद करो। श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रयास करो और तुम उम्मीदों से ज्यादा अर्जित कर लोगे। बस सफलता के मूल मंत्र का ध्यान करो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथ अमेश चैप्टर चला दोस्तों हमारे पास सेट रिलेशन एंड फंक्शन, जिसके अंदर टॉपिक चला दोस्तों फंक्शन, और फंक्शन के बारे में बहुत कुछ हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इनकी डेफिनेशन के टाइप, ठीक है, और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। और अब और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन ही इसमें करेंगे। ज्यादातर मैंने दोस्तों वहां पे क्वेश्चन बनते हैं प्रांत पूछना या सप्रांत पूछना, नहीं सॉरी सप्रांत हमेशा दे रखा होगा। ठीक है, जस्ट मैं कह रहा दोस्तों परिसर पूछना या एक एक ही बहु एक ही अंतरिक्ष भी अच्छा था, इनके बारे में पूछेगा। ठीक है, और भी टाइप के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, जिसकी हम अलग अलग टाइप की या कंडीशन या कंसेप्ट की हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देगा दोस्तों, 1 - |x+1 की परास क्या रहेगा, इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले इसको ग्राफिकल फिर अलजेब्रिक। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से मैं इसको पहले ग्राफिकली सॉल्व करा यहाँ पे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ये क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको ग्राफ किया दोस्तों। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है एक्स डैश। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे होता है दोस्तों वाई और ये वाई डैश। ठीक है, इस प्रकार से लिखा है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1 - |x+1। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ मैं रियल नंबर की। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे एक्स एक्स को मैं यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे -1, -2, -3 और -4। ठीक है, इसी प्रकार 1 ये 0 हो जाएगा हमारे पास, फिर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों मैं कह रहा हूँ x = -4 रख रहा हूँ। ठीक है, x = -4 को दिया -3 और -3 का मोड देते हैं +3 और 1 - 3 देते -2 रहेगा। ठीक है, जब मैं यहाँ पे जस्ट मान लिया x के बराबर है या y के बराबर है, तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे ले रहा दोस्तों x = 4 देट y बराबर यहाँ पे हमारे पास मान लो 2, यहाँ पे ये 1 ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, देट यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ये -4 है और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें अगर x = -3 ले तो -3 + 1 दैट -2 और मोड दे रखा, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों -2 दैट +2 हो जाएगा, 1 - 2 कितना हो जाएगा 1 - 2 दैट मीन्स -1 हो जाएगा, दैट 3 लेने पर यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों -1 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसी प्रकार से, जब x = मैं क्या ले रहा दोस्तों x = -3 ले, -2 ले रहा हूँ, तो यहाँ -2 + 1 दे -1 और मोड लगा तो -1 1 - 1 0 दे। यहाँ पे x = यहाँ पे क्या ले रहा दोस्तों 2 ले रहा, तो यहाँ पे fx क्या आ रहा है दोस्तों 0 आ, तो यहाँ पे इसका 0 पे यहाँ पे इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 1 ले रहा हूँ, -1 ले रहा हूँ। ठीक है, देट यहाँ पर अगर मैं -1 ले रहा तो -1 और +1 0 हो जाएगा, देट 1 बच रहा है दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये 1। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसी प्रकार से, जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों x = यहाँ पर अगर मैं 0 लेता हूँ। ठीक है, x = क्या लेता हूँ दोस्तों 0, 1 + 0 यहाँ पे 0 और यहाँ 1 - 1 0 दैट मींस यहाँ पे x = क्या लेता हूँ दोस्तों 0 लिया, तो वापस यहाँ पे 0 ही आ रहा है, यहाँ पे इसका मूल बिंदु पे इसका क्या लेता पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसी प्रकार से, यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, 1 - 2 + 1 = 3, 1 - 2 दैट मींस -2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे x = 2 लेने पर, सॉरी यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं
एक्स इजिकल टू वन लिया, ठीक है, एक्स इजिकल टू वन का लिया, ठीक है, वन प्लस वन टू, वन माइनस टू, ठीक है, यहाँ पे माइनस वन माइनस टू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे टू ले लो, थ्री, वन माइनस टू, दैट मीन्स यहाँ पे थ्री लेने पर, एक्स इजिकल थ्री लेने पर यहाँ पे वन माइनस, नहीं सॉरी टू ले रहा हूँ, ठीक है, टू लेने पर, एक्स इजिकल टू लेने पर यहाँ पे जस्ट रह गया दोस्तों वन माइनस थ्री, दैट माइनस का टू, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगी। दैट मींस यहां पे मैं कह दूं तो हमारे पास ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, देखो मैं यहां से इन सबको मिला लेता हूं एक बार, ठीक है, इनको यहां से मिला ले, ठीक है, हमें पता है दोस्तों हमेशा जो मोड का जो ग्राफ आता है वो क्या आता है दोस्तों, मोड का जो भी ग्राफ आता है वो इस शेप में होता है, ठीक है, और ये इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे इसका जो फैलाव है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस अनंत से, ठीक है, कहाँ से जा रहा है दोस्तों, माइनस अनंत से मैक्सिमम कहाँ जा रहा है दोस्तों, माइनस वन तक जा रहा है, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसका जो रेंज रहेगा, इसका जो रेंज रहेगा वो रहेगा दोस्तों हमारे पास माइनस अनंत से, माइनस अनंत से प्लस वन तक रहेगा, ठीक है, प्लस वन इंक्लूडेड है, इस प्रकार से हमारे पास क्या आएगा दोस्तों रेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसी सवाल को मैं यहाँ पे अलजेब्रिक तौर से सॉल्व करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से आएगा, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों वन माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, मोड ऑफ एक्स प्लस वन, एंड मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमेशा आपको ध्यान रखना जब भी किसी भी प्रकार के मोड पे जो भी नंबर दे रखा है एक्स प्लस वन, ठीक है, यानी कोई भी किसी भी प्रकार की अगर मोड में से के देखे तो उसका जो मान रहता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू इनफिनिटी रहता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, यानी कि मोड के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की संख्या दे रखी है तो उसमें जो इनका वैल्यूज रहता है, ठीक है, उसका जो वैल्यूज रहता है ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ पर लेस देन इक्वल है, लेस देन, ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन टू, लेस देन टू इनफिनिट, ठीक, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है किसी प्रकार का मान। अब देखो यहाँ पे हम जो जस्ट यहाँ पे मैं इस प्रकार का फॉर्मेट ला रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास माइनस है, ठीक है, तो इसको माइनस से गुणा कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे मैं माइनस से गुणा करने पर, ठीक है, इसको मैं जो हमारे पास ये फॉर्मेट आया दोस्तों गुणा करने पर, ठीक है, इसको गुणा कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जब गुणा करूंगा माइनस के साथ तो यहाँ पे जो असीम को चिन्ह वो चेंज हो जाएगा, ठीक, लेस देन इक्वल का क्या जो ग्रेटर देन इक्वल और एक्स प्लस ये माइनस के साथ में गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स प्लस वन माइनस और यहाँ ग्रेटर देन टू इनफिनिटी, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों माइनस के साथ भी गुणा कर रहा हूँ या फिर माइनस में यहाँ पर भी लगा देता हूँ, प्लस वन दोनों तरफ जोड़ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ प्लस वन दे रखा है यहाँ पे जोड़ देता हूँ प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे प्लस या एक जोड़ने पर, ठीक है, एक जोड़ने पर जीरो प्लस एक, एक ग्रेटर देन इक्वल इसमें एक जोड़ वन माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन एंड यहाँ पे दोस्तों इंफिनिटी में कितने भी नंबर जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे इसका ऐसे कैसे ऐसे रहेगा, ठीक है, वन एफ इज यहाँ पे मैं कैसे कहता हूँ दोस्तों लेस देन इक्वल एंड यहाँ पे एफ एक्स लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से मैं इसको दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका जो वैल्यूज है, ठीक है, आप कह सकते हैं कुछ माइनस अनंत से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस अनंत से प्लस वन तक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यानी इसका जो रेंज रहेगा अगेन हम कह सकते हैं दोस्तों इसका रेंज कहाँ से रहेगा माइनस अनंत से, ठीक है, माइनस अनंत से प्लस वन, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास रहेगा, ठीक है दोस्तों माइनस अनंत से प्लस वन यानी कि माइनस अनंत से प्लस वन तक इसका वैल्यू रहेगा, ठीक है दोस्तों, दैट इस प्रकार से हम इसका रेंज निकाल सकते हैं। इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों जिसको आपका जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप के करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट यहाँ इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतारे फिर बाद नेक्स्ट अगेन बात करते हैं दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए। इसको मैं हटा रहा हूँ दोस्तों यहाँ से और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों ऐसा कैसा है उसमें भी हमें प्रास याद करनी है, ठीक है, परिसर प्रास या रैंक कुछ भी बोल सकते दोस्तों, ठीक है, बात कर रहा हूं दोस्तों वन अपॉन टू एक्स प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, वन अपॉन थ्री प्लस टू एक्स प्लस वन और मॉड लिखा, ठीक है,
ये मॉड है, ठीक है दोस्तों, ये वन है और इसके अंदर मॉड है, ठीक है। अब इसका क्या निकालना दोस्तों, हमें प्रास निकालना, की प्रास का प्रास, ठीक है, का प्रास क्या रहने वाला है, ठीक है, प्रास क्या, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इंग्लिश सॉल्व करें दोस्तों इसको, और अभी भी मैंने बताया था दोस्तों कि कोई भी किसी भी प्रकार का अगर मोड में अगर नंबर दे रखा है तो उसका मान हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा और किससे छोटा होता है, यहाँ पे अनंत से छोटा होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये रहता है कि यहाँ पे अब जो हमें रिक्वायरमेंट उसको जो भी जोड़ना है घटाना है वो हम कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले 2x+1 तो यहाँ पे दे रखा है, जरूरत किसकी, यहाँ पे तीन की, ठीक है, तीन की जरूरत है यहाँ पे पहले, तो यहाँ पे मैं तीन को तीन को तो दोनों तरफ जोड़ रहा, ठीक है, तीन को तीन जोड़ने पर, ठीक है, तीन जोड़ने पर यहाँ पे मैं तीन को क्या कर रहा हूँ दोस्तों, जोड़ रहा हूँ जोड़ने पर, ठीक है। तो तीन लेस देन इक्वल और यहाँ पे तीन प्लस 2x+1, ठीक है, इधर यहाँ पे अनंत कितना भी जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है दोस्तों। फिर जो इसको इसके फॉर्मेट में लिया था दोस्तों यहाँ पे, यानी कि अपॉन में है तो यहाँ पे 1/3 और इसके साथ यहाँ पे ध्यान रखना जो असली में जो चिन्ह है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, यानी कि मैं कह रहा दोस्तों माइनस करते माइनस से गुणा करते तो भी यहाँ पे चेंज हो जाता है, भाग करने पर भी क्या होता है दोस्तों चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल होती है ग्रेटर देन इक्वल और 3 1/3 प्लस मॉड ऑफ 2x+1 एंड यहाँ पे ग्रेटर देन 2 यहाँ पे इस यहाँ पे 1/1 ग्रेटर देन 1/1 इंफिनिटी रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 1/3 और यहाँ पे इस प्रकार से साइन लगी है, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इसकी जगह एफ एक्स लिख देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 और 1/1 मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 1/1 ठीक है 1/1 इंफिनिटी और 1/1 इंफिनिटी की वैल्यू जीरो रहेगी, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो यहाँ से एफ एक्स की जो वैल्यू रहेगी जीरो से बड़ी, ठीक है, जीरो से बड़ी और 1/3 से बराबर या छोटी रहेगी, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये इसका वैल्यू रहना पड़ता है, या फिर मैं कह सकता हूँ इसका रेंज रहेगा, ठीक है दोस्तों, इसका क्या रहेगा हमारे पास रेंज, ठीक है, और रेंज क्या रहेगा इस प्रकार से जीरो को साथ में लेना है, ठीक है, और 1/3 को साथ में हमें लेना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा, ठीक है। इनको भी एक बार सर जल्दी से बिना विलंब किए फिर बात करें, अगेन क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपने इसको कर लिया होगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक का ले लेता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आई थिंक आपने इसको कर लिया होगा, कुछ नहीं था दोस्तों यहाँ पे, यानी कि हमेशा ध्यान रखना है जो कोई भी मोड के अंदर जो वैल्यू देखिए दोस्तों वो जीरो जीरो से बड़ी और अलग से छोटी होती है, फिर बाद में जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्लस माइनस करते जाए, ठीक है, जिसको यानी कि डिवाइड में दे रखा है तो डिवाइड में कर ले, जैसे भी करना चाहे उसे आपको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ दोस्तों इसी प्रकार से, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक का है, ठीक है, उसमें भी हमें रेंज निकालना है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद हम चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे दोस्तों उसका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अगेन जस्ट 1/2 2 -sin 3x, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा की प्रास क्या रहेगी, ठीक है, इसकी जो प्रास या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों रेंज क्या रहेगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे मैं लिखा sin 3x, ठीक है, sin 3x, ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा sin 3x और इसमें मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले कि sin 3x तो मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे sin की जो मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या रहती है, यानी इसकी रेंज -1 to +1 इंक्लूडेड, ठीक है, दैट मीन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ -1 <= 1 एंड यहाँ पे > और <= 1, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे आगे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाहिए क्या दोस्तों -3x माइनस चाहिए यहाँ पे, तो माइनस से गुणा करूंगा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों माइनस से गुणा करना, ठीक, माइनस से गुणा और माइनस से गुणा करेंगे मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल वाले लेस देन वहाँ पे ग्रेटर कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों sin 3x
एंड यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये साइड रहती है वो एक मिनट, ठीक है, इस प्रकार से हमारा इस प्रकार से रहेगा और यहाँ पर भी ये साइड ये हो गया माइनस का वन, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पर हमने ये नहीं किया ना, माइनस यहाँ पे नहीं लगाया, देखो यहाँ इस प्रकार से मैंने इसको किया। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यहाँ पे हमें चाहिए क्या, दो चाहिए, तो दोनों तरफ में दो जोड़ रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरफ में क्या करें दोस्तों, दो जोड़ने पर ठीक है, दो जोड़ने पर यहाँ पे मैं दो प्लस एक तीन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे दो माइनस का साइन 3x एंड यहाँ पे दो जोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे दो प्लस का माइनस का एक, ठीक है, तो यहाँ पे एक आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा हूँ मैं दोस्तों, इसको अपॉन में लेना, देट यहाँ पे 1/3 इस प्रकार से हमारे पास रहेगा और 1/2 माइनस का 3x एंड यहाँ पे 1/1 इसका वैल्यू तो सेम ही रहता है, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1/3 fx यहाँ पे ओवर, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो इसका रेंज रहेगा वो एक या अगर 1/3 से बड़ा और एक या एक से छोटा, दैट ये 1/3 से बड़ा बराबर या बड़ा और एक से छोटा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से या एक या एक से छोटा, इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, इसका रेंज रहेगा, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए उतारे, फिर बाद नेक्स्ट अगेन में क्वेश्चन ऐसा कैसा ओवरलैप होता है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन ले रहा दोस्तों मैं, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों स्पीड से, आई थिंक आपने कर लिया होगा, ठीक है, और मेरे से पहले आंसर निकाल रहे हो ऐसी मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान है, तो आपको एग्जाम्स में इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट आंसर वर्बली निकाल लें, ठीक है, और उसका टिक मार्क करें, ठीक है, लेकिन सही होना चाहिए, ऐसे नहीं गलत टिक मार्क कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ इसी प्रकार से, यहाँ पे जस्ट 1/3 माइनस 1/3 माइनस 2 cos x, ठीक, 2 cos x की प्रास क्या होने वाली, ठीक है, प्रास क्या है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले कि जस्ट माइनस का यहाँ पे मैं या फिर मैं डायरेक्ट cos x ले लेता, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे cos x मैंने यहाँ पे लिया और cos x की जो वैल्यू रहेगी वो माइनस एक से बड़ी और एक या एक से छोटी रहेगी, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहती है, ठीक है। एंड अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसी प्रकार से, यहाँ पे हमें चाहिए माइनस का 2 चाहिए, तो माइनस का 2 से गुणा कराऊ, ठीक है दोस्तों, माइनस का 2 से गुणा, ठीक है, माइनस 2 से गुणा करा और हमें पता होना चाहिए दोस्तों माइनस आगे साइन है, ठीक है, माइनस 2 से गुणा, यहाँ पे माइनस का 2 चाहिए, ठीक है, मैं अलग अलग नहीं करके दोनों को साथ में कराऊ, देट यहाँ पे चिन्ह भी चेंज होगा, ठीक है, यानी कि माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस का 2 से गुणा करो तो प्लस का 2 हो जाएगा, ग्रेटर लेस देन इक्वल का यहाँ पे हमारे पास ये साइन आ जाएगा, ठीक है, cos x इसको माइनस 2 से तो माइनस का 2 cos x एंड यहाँ पे ये साइन आ जाएगा, माइनस के 2 के साथ गुणा करो तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 3 चाहिए, दोनों तरफ यहाँ पे 3 जोड़ूंगा, सबसे 3 जोड़ूंगा, यहाँ पे लिख देते 3 जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों, 3 जोड़ने पर, ठीक है, 3 में जोड़ रहे होते 2+3 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 3 - 2 cos x और यहाँ पे हमारे पास 3 जोड़ रहा 5 - 3 - 2 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मैं इसको ऊपर नीचे पे लिख देता हूँ, ठीक है, यानी 1/5, ठीक है, 1/3 - 2 cos x एंड यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों 1/1, ठीक है। फिर अगेन मैं बात करूँगा दोस्तों इसी प्रकार से, यहाँ पे जस्ट 1/5 fx एंड यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों इसी प्रकार से, यहाँ पे 1/1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, इसका जो रेंज रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, आप आसानी से देख सकते हैं दोस्तों 1/5 के बराबर या बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास इसकी वैल्यू रहने वाली, ठीक है दोस्तों, दैट इसको करें दोस्तों एक बार जल्दी से बिना विलंब किए दोस्तों, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा से देखें तो शेयर करना है आपको, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, ये चीज आपको भूलनी नहीं है दोस्तों, क्लास के अंदर आते ही आपको ये चीजें कर लेनी है, ठीक है।
आगे वाला क्वेश्चन में करा दो तो किस प्रकार से रहेगा, देखो इसको भी मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। नेक्स्ट एक और ऐसा जैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक का ही है और उसको भी हम सॉल्व करेंगे, उसकी भी हमें क्या निकालनी है, राश निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है दोस्तों, वन अपॉन क्वेश्चन हमारे पास वन अपॉन फाइव माइनस का थ्री कॉस टू एस, ठीक है इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है और इसकी क्या निकालने में प्रास निकालने की प्रास क्या रहेगी, ठीक है इस प्रकार से मैं इसको निकाल, दैट मींस यहाँ पे मैं कैसे था दोस्तों, हमारे पास कॉस टू एक्स दे रखा है और यहाँ पे कॉस टू एक्स का जो मान रहेगा माइनस एक से बड़ा या बराबर और एक या एक से छोटा रहने वाला, ठीक है दोस्तों इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं। ठीक है नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे माइनस का तीन चाहिए मुझे, क्या चाहिए माइनस का तीन, माइनस के तीन से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों माइनस के तीन से गुणा कर रहा हूँ, माइनस का साइन साथ में, ठीक है क्या है दोस्तों माइनस का साइन, यहाँ पे चिन्ह जो हमारे पास है वो चेंज हो जाएगी, माइनस तीन से गुणा करती प्लस का तीन हो जाएगा और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों माइनस का तीन कॉस 2x एंड यहाँ पे माइनस का तीन से गुणा कर तो माइनस का तीन यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए दोस्तों, पांच चाहिए, क्या चाहिए पांच, तो दोनों तरफ पांच जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आठ, ठीक है और यहाँ पे पांच माइनस का तीन कॉस 2x एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों पांच जोड़ रहा हूँ तो पांच माइनस तीन दो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है अब इसको मैं यहाँ पे बट्टा में लिख देता दोस्तों एक बट्टा आठ, ठीक है greater than equal to fx less than equal to 1 by 2, ठीक इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा, मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं क्या इसका जो रेंज रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, रेंज इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन 8 टू 1 by 2, ठीक है इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा, ठीक है greater than equal का साइन लगा, इक्वल का साइन के साथ में लिखा हो देखने से यहाँ पे ये दोनों इसके साथ में इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ उसके बाद यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन की दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए उतार लें, ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो क्वेश्चन हमेशा दोस्तों हमेशा प्रास का आएगा, रेंज का भी आएगा आपके पास क्वेश्चन, ठीक है प्रास और रेंज का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों प्रांत का दे रहा हूँ, ठीक है किसका दे रहा हूँ प्रांत का दे रहा हूँ और x प्लस फोर डिवाइड बाई x माइनस का वन, ठीक है x प्लस फोर डिवाइड बाई x माइनस वन की का प्रांत क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों अब देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे प्रांत यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों रियल नंबर है, ठीक है प्रांत हमारे पास ये क्या रहेगा रियल नंबर, बट लेकिन नीचे क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों जीरो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए जीरो, मतलब x माइनस फोर x माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मींस यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास है, दैट मींस यहाँ पे इसके अलावा वास्तविक संख्या कुछ भी रख सकते हैं, यानी एक के अलावा यहाँ पे वास्तविक संख्या कुछ भी रख सकते हैं, मतलब दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास r माइनस वन, ठीक है दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला, ये उसका क्या रहेगा दोस्तों डोमेन रहेगा, ठीक है क्या रहेगा डोमेन रहने वाला है, ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों तो इसको भी एक बार उतार लें क्वेश्चन ही है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है इसको ये देखिए सर के रूप में उतार लेते हैं, ठीक है फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन की, और आगे वाले क्वेश्चन में भी हमें प्रांत ही निकालना है और किस प्रकार से निकालेंगे प्रांत वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों प्रांत वाले क्वेश्चन थोड़े बहुत कर लेते हैं, ठीक है इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है दोस्तों नेक्स्ट हम करेंगे बात प्रांत की, ठीक है तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन जिस प्रकार से रहा दोस्तों उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का नौ क
का प्रांत क्या रहेगा, ठीक है, का प्रांत क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसका हमें क्या निकालना है, प्रांत हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। बैठ यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों, इसके प्रांत के लिए यहाँ पे हमें सब पता है दोस्तों कि जो नीचे वाला है नीचे दे रखा है, नीचे जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यानी एक्स स्क्वायर माइनस नौ इज ग्रेटर देन टू जीरो होना चाहिए। ये तो हमें पता है दोस्तों, आसानी से हम कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस नौ इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू जीरो, इक्वल नहीं आएगा। अगर अंश में होता ये चीजें तो यहाँ पे इक्वल साथ में आ जाता, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसके फैक्टर कर लेता हूँ, ठीक है, यानी कि इसके एक्स माइनस को तोड़ लेता हूँ, ठीक है, एक्स माइनस का थ्री एंड एक्स प्लस का थ्री ग्रेटर देन टू जीरो, इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ हमारे पास क्रांतिक मान आएंगे, क्या आएंगे, क्रांतिक मान, हमें यहाँ इसको संज्ञा रखना पड़ेगा, इसको डिनोट करना पड़ेगा। क्रांतिक मान यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, तीन और माइनस का तीन रहने वाला, ठीक है, यानी एक्स के मान तीन और माइनस का तीन, बीच में अर्धविकल लगेगा, इसलिए क्रांतिक मान आता है, ठीक है दोस्तों। देख मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक संज्ञा रखा बनी है, जिसके अंदर यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों ये माइनस अनंत है और ये प्लस अनंत है, और यहाँ पे माइनस का तीन है और ये प्लस का तीन है। और हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, आपको राइट हैंड से यहाँ पे प्लस ऊपर लगाना, प्लस ये लगाना, नीचे यहाँ माइनस, फिर बाद में प्लस, ठीक, अल्टरनेट आपको चलना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ऊपर प्लस माइनस नीचे वापस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से हमारे पास कहाँ से, राइट हैंड से, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। इसी और यहाँ पे हमें कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे साइन कौन सा आ रहा है, ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स अगर ग्रेटर देन का साइन आता है, ठीक है, अगर हमारे पास ग्रेटर देन का साइन आता है, इसका मतलब दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि माइनस अनंत से तीन और तीन से अनंत तक के मतलब बीच वाले वैल्यू यहाँ पे हम नहीं लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये वाले वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, कौन सी, ये वाले वैल्यू हम माइनस अनंत से तीन और यहाँ पे तीन से अनंत। अब इसके अंदर भी मैं क्या, या फिर इसको मैं एक बार लिख देता दोस्तों, देखो प्रांत हमारे पास प्रांत क्या रहने वाला है, ठीक है, प्रांत हमारे पास क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इस पर जो प्रांत रहेगा माइनस अनंत से तीन, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो साइन दे रहा दोस्तों, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। यानी माइनस अनंत से तीन में तीन को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देर का दोस्तों ग्रेटर देर क्या देखा, ग्रेटर देन का ही साइन है। अगर इक्वल का साइन होता तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो बड़ा ब्रैकेट लेता, ठीक है दोस्तों। और यूनियन यहाँ पे मैं बीच में लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों कि वापस अगेन तीन से अनंत, ठीक है, तीन से अनंत, और तीन को यहाँ पे हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों, तीन को हम शामिल नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे दोस्तों अगर यही इसी का दूसरा ऑप्शन आता है इस प्रकार से, ठीक है, यानी प्रांत ये भी हो सकता है हमारे पास, प्रांत ये भी हो सकता है, मतलब रियल नंबर में से, अगर मैं दोस्तों रियल नंबर में से, यानी कि यहाँ बीच वाले नंबर, यहाँ से ये वाला बीच वाला नंबर घटा देता हूँ, तीन को साथ में करते हुए, तीन तीन को माइनस तीन और तीन को साथ में करते हुए, तो हमारे पास क्या जाएगी दोस्तों, इसका प्रांत आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों ये, ठीक है। माइनस अनंत से प्लस तीन के बीच की संख्या और तीन से अनंत के बीच की संख्या, और इसका यूनियन करना, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों पूरे रियल नंबर में से माइनस तीन से तीन को घटा दे, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका प्रांत आ जाएगा, ठीक है, ये इसका क्या रहेगा दोस्तों, प्रांत रहने वाला, ठीक है। इसको उतार जल्दी से बिना विलंब किए, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन करते दोस्तों इसी प्रकार का, और उसको भी हम देखते हैं किस प्रकार से किया जाता है। जब यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, इसी प्रकार का रहेगा वो भी क्वेश्चन, प्रांत निकालना हमें, ठीक है। ये सी क्वेश्चन हमने कर लिए थे दोस्तों, ध्यान रखना आप, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किए थे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, fx is equal to यहाँ पे लिख देता दोस्तों अंडर रूट 25x स्क्वायर माइनस का 16 का प्रांत, ठीक है, का प्रांत क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने इसको लिखा है, और यहाँ पे इसका
प्रांत क्या रहेगा अगर उसकी हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों इस प्रकार सीक्वेंस हो जाएगा, और मैं कह रहा दोस्तों अंडर रूट के अंदर जो 25x² - 16 का जो मान रहेगा, ठीक है, तो माइनस वाला का मान रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अब ऐसा ही क्यों रहेगा, देखो दोस्तों यहाँ पे ऐसा क्यों रहने वाला, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ऊपर अंश में दे रखा था कि 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये भी हर में होता तो यहाँ पे एक इक्वल का संन्यास में हटा देता, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे इसका मैं क्या कर लेता हूँ, तोड़ लेता इसको और यहाँ पे लिख देता हूँ 5x - 4 और 5x + 4, ठीक है, और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, ठीक है। इसके क्रांतिक मान क्या रहेंगे दोस्तों, क्रांतिक मान, ठीक है, और क्रांतिक मान यहाँ पे रहने वाले हैं जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4/5, ठीक है, माइनस के और 4/5 प्लस के, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों इस संज्ञा रेखा बना देता हूँ मैं इस प्रकार से, और यहाँ पे माइनस अनंत से प्लस अनंत और माइनस अनंत से प्लस अनंत, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस का 4/5 और यहाँ लिख दिया प्लस का 4/5 और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। इस प्रकार राइट हैंड से इसको हमें काउंट करते हुए करना, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, अल्टरनेट ऐसे चलना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगाऊंगा, मतलब ग्रेटर देन का साइन है तब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों हमें कौन से वैल्यूज काउंट करनी है, माइनस अनंत से माइनस 4/5 और 4/5 से प्लस अनंत, यहाँ पे वैल्यू हमें काउंट करना है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों इसके प्रांत की, और प्रांत यहाँ पे दोस्तों इसमें हमें इक्वल का साइन भी देता है, यहाँ से इक्वल का साइन भी देता है, कह सकता हूँ माइनस अनंत से 4/5, ठीक है, माइनस अनंत से माइनस का 4/5, ठीक है, और इसको हमें साथ में लेना है, ठीक है दोस्तों, माइनस 4/5 को क्या लेना है, साथ में लेना है, और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों यूनियन लगा रहा हूँ 4/5, ठीक है, और अनंत, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहेगा, इसका प्रांत कहने वाला है, ये अब की बार हमने साथ में कहने की यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, या फिर मैं दोस्तों मैं कह रहा हूँ अगर दूसरे तरीके से इसका ऑप्शन आता है, ठीक है, तो या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे आर माइनस, ठीक है, यानी ये बीच वाले नंबर यहाँ पे घटा दे, यहाँ पे बीच वाले दोस्तों अगर मैं नंबर घटा देता हूँ, ठीक है, रियल नंबर में से, ठीक है, तो यहाँ पे रियल नंबर में से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 4/5 माइनस का 4/5 और चार बटा पांच के बीच की संख्या, ठीक है, यानी कि साथ में रहेगा, साथ में नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रांत में यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन देता है, यहाँ पे इसको प्रांत के रूप में इसको साथ में लेना, ठीक है, या फिर मैं कैसे तो रियल नंबर में से इन नंबर्स को घटा देता हूँ, ठीक है, यानी इसके बीच वाले नंबर्स को यहाँ पे घटा देता तो हमारे पास प्रांत आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगेन मैं दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतार लेते, फिर आगे वाले क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते, ठीक है। देखो यहां से मैं इसको हटा देता हूं दोस्तों अगेन, और फिर बाद में यहां पे आगे वाले क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते किस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। देखो यहां पे क्या दोस्तों fx इज इक्वल टू क्वेश्चन है हमारे पास fx इज इक्वल टू 1/√4 - x², ठीक है, 4 - x² का प्रांत क्या रहेगा, ठीक है, का प्रांत क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमें पता है ये हर में देर का हर में यहाँ पे हमें सब पता है दोस्तों 1 - 4 x² इज ग्रेटर देन टू 0 रहेगा, ठीक है, यानी 0 इसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, कैसे, माइनस का एक्स स्क्वायर आगे ले लिया, प्लस का यहाँ पे 4 पीछे ले लिया, ठीक है, इज ग्रेटर देन टू 0, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं दोस्तों ये माइनस का साइन हटा रहा हूँ, ठीक है, माइनस से मैं क्या कर रहा हूँ गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4 ग्रेटर देन का लेस देन का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम फैक्टर कर लेते हैं, एक्स माइनस का 2 और एक्स प्लस का 2, ठीक है, और लेस देन टू 0, और इसके क्रांतिक जो मान रहेगा दोस्तों क्या रहेगी, क्रांतिक मान, और क्रांतिक मान हमारे पास रहेगा दोस्तों माइनस का 2 और प्लस का 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इसके लिए
यहाँ पे जस्ट प्रांत की और माइनस कर दो और प्लस कर दो, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों आपके पास जो साइन लगा हुआ इनके बीच में लेस देन का साइन लगा, आप क्या लगा हुआ है लेस देन का साइन लगा हुआ, मतलब यहाँ पे माइनस दो और दो के बीच की बात रहेगी, ठीक है, माइनस दो और दो के बीच रहेगी, ठीक है दोस्तों। देखने से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका जो डोमेन रहेगा, डोमेन रहेगा माइनस दो और दो के बीच रहेगा, ठीक है दोस्तों। क्यों रहेगा बीच, क्योंकि दोस्तों हमें पता है ये प्लस होता है, ठीक है, यहाँ पहले दे दीजिए प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे कह रहे दोस्तों यहाँ पे जो साइन लेफ्ट हैंड का साइन है, ठीक है, इक्वल का साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे दोस्तों इनके बीच यहाँ एक तो लेफ्ट हैंड का साइन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट इक्वल का साइन नहीं, देखने से आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास लेंथ रहेगा या डोमेन रहेगा वो रहेगा माइनस टू और टू के बीच का, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला। नेक्स्ट अगेन में बात करता हूँ दोस्तों इसी प्रकार से आगे, और आगे के लिए मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों देखो इनको एक बार उतार लेते हैं जल्दी से बिना विलंब के दोस्तों, ठीक है। लेफ्ट हैंड के लिए हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों जो भी हमारे पास क्रांतिक मान दे रखा है उनके बीच की वैल्यू ली जाती है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ से मैं हटा देता हूँ दोस्तों और एक और नया क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, इसी प्रकार से थोड़ा सा ही चेंज कर रहा हूँ मैं इसी क्वेश्चन में, और आपकी बात ले लेता हूँ नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं कर रहा दोस्तों मैं, यहाँ लिख रहा हूँ नाइन माइनस का एक्स स्क्वायर का प्रांत क्या रहेगा, ठीक है। और हमें पता है दोस्तों नाइन माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू रहेगी ग्रेटर देन टू जीरो रहेगी, इसको मैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नाइन लिखा और ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर माइनस नो इज लेफ्ट देन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट देन क्यों दोस्तों कि माइनस का चिन्ह मैंने यहाँ से हटाया, माइनस से गुणा किया तो प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ग्रेटर देन का लेफ्ट देन हो गया, ठीक है। अब इस तरह मैं कह रहा हूँ दोस्तों क्रांतिक मान या फिर मैं एक्स x प्लस तीन और x माइनस का तीन, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड को जीरो देखने से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच रहेगी, और यहाँ पे लिखा माइनस का तीन और एक लिखा प्लस का तीन, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, और यहाँ पे हमारे पास दोस्तों लेफ्ट हैंड का साइन लगा हुआ, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो वैल्यू काउंट की जाएगी वो माइनस तीन और तीन के बीच की जाएगी, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो हमारे पास प्रांत रहेगा वो रहेगा एक्स इज एप्सिलॉन टू माइनस थ्री टू थ्री, ठीक है, माइनस थ्री टू थ्री रहेगा, ठीक है, इनके बीच की वैल्यू यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन के लिए, आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा दोस्तों इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए उतार रहता है, ठीक है। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूँ इसी प्रकार से आगे वाले क्वेश्चन के लिए, और आगे वाले क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है थोड़ा सा अलग लेवल है जिसके अंदर हम टेंथ बात करें, रेंज की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों, किसकी बात करेंगे
रेंज की, ठीक है। और इसको हम, मैं कह सकता हूँ दोस्तों, एकदम अच्छे से सटीकली हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इसका जो वैल्यू पिन के किन किन के बीच रहेगा। सेट में इसको हम लेंगे दोस्तों वाई के बराबर, और वाई के बराबर लेके यहाँ पे हम द्विघात समीकरण पॉसिबल है तो उसको निकालेंगे, ठीक है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो जैसा आगे स्टेप बाई स्टेप जैसा भी सिचुएशन रहेगा दोस्तों, उस हिसाब से हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते दोस्तों किस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन रहता है, उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या हुआ है एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का परास क्या होगा, ठीक है। परास की बात करें, रेंज की बात करें, परिसर की बात करें, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका परास क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें प्रांत की बात करना चाहो दोस्तों तो यहाँ पे रियल नंबर रहेगा, क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले इसकी प्रांत निकालने के लिए, दैट मींस यहाँ पे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे दोस्तों किस प्रकार से ये रहने वाला है, ठीक है। दैट मींस इसको क्या कर ले दोस्तों, एक्स के वाई के बराबर मान ले, ठीक है, इसके बराबर मान ले एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये सब है इसको मान रहा हूँ, इसको क्या कर रहा है, इसको मान रहा हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा था दोस्तों इसको वाई के बराबर लिया तो x is equal to y 1 minus 1 plus x square, इसको सॉल्व करता हूं x is equal to y plus y x square, ठीक है। अब मैं x square के इसको x square को क्या लेना है दोस्तों, वास्तविक रियल नंबर लेना, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहां पे मैं कह सकता हूं हमारे पास, यहां पे मैंने बताया था दोस्तों इसका जो प्रांत रहेगा रियल नंबर ही रहेगा, ठीक है। दैट यहां पे माइनस का यहां पे लिख देता हूं y x square माइनस का x प्लस का यहाँ एक, ठीक है, प्लस का एक्स और प्लस का एक्स और माइनस का वाई, ठीक है, माइनस का वाई इज इक्वल टू जीरो रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वाई, और यहाँ पे क्या है दोस्तों हमारे पास द्विघात समीकरण है, ठीक है, एक्स के वेरिएबल, एक्स यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है दोस्तों, वाई यहाँ पे क्या अच्छा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या हूँ दोस्तों इस प्रकार से, और एक्स यहाँ पे क्या है, वास्तविक संज्ञा है, ठीक है, क्या है दोस्तों, वास्तविक संज्ञा है, इसलिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको यहाँ पे जब x वास्तविक संज्ञा होती तो जो व्युत्क्रम होता है किसका, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों द्विघात समीकरण सिद्धाचार्य का, क्या होता है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, तब कब जब x क्या हो दोस्तों वास्तविक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर ये जो इक्वेशन है इसके अंदर b क्या दोस्तों माइनस का आएगा, तो माइनस का a का होल स्क्वायर माइनस चार इंटू a किया दोस्तों हमारे पास y है, और c किया पे दोस्तों यहाँ पे सी भी क्या है वाई है, ठीक है, इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, माइनस ए का स्क्वायर माइनस और यहाँ पे चार y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों थोड़ा सा इसको मॉडिफाई इसको कर लेते हैं, दैट यहाँ पे मैं कहना था मतलब ये दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूँ माइनस का चार वाई इसको आगे ले लिया मैंने, माइनस का चार वाई प्लस का एक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस हटा रहा दोस्तों चार वाई स्क्वायर माइनस का एक लेफ्ट देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, माइनस से गुणा किया, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों इसको तोड़ लेता हूँ, दो वाई प्लस का एक और दो वाई माइनस का एक लेफ्ट हैंड इक्वल टू जीरो। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो क्रांतिक मान रहेगा वो माइनस का एक बटा दो प्लस का एक बटा दो रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे इसका जो मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो संज्ञा रहेगा वो इसका जो प्रदर्शन रहेगा माइनस अनंत से प्लस अनंत, और यहाँ पे माइनस का वन बाई टू से प्लस का वन बाई टू, ठीक है, और ये अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड इक्वल का साइन है दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट हैंड का भी साइन है और इक्वल का भी है, माइनस एक बटा दो से यानी यहाँ पे मैं जो इसका रेंज रहेगा दोस्तों वो रहेगा माइनस एक बटा दो से और एक बटा दो के बीच इसको साथ में देखते हुए ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप ये प्लस माइनस और ये प्लस होता है आपको ध्यान रखना है, और जब लेफ्ट हैंड इक्वल का साइन होता है तो इनके यानी कि बीच वाले वैल्यू को कंसिडर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास क्या रह जाएगा दोस्तों इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए उत्तर है दोस्तों, और ऐसे कैसे हम दो तीन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और उनको करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों।
यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों अगेन, ठीक है। और इससे जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो प्रांत रहेगा वो आर रहेगा, ठीक है। प्रांत क्या रहेगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें कभी भी प्रांत नहीं पूछा जाता, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है दोस्तों। हमें ऐसे क्वेश्चन के लिए रहते ही पूछी जाएगी, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं इसी प्रकार से, और नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से देखो, क्वेश्चन है दोस्तों 3x अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं एफ एक्स इज इक्वल टू, एक मिनट, क्वेश्चन है दोस्तों मैं एफ एक्स इज इक्वल टू, और एफ एक्स इज इक्वल टू यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों 2x अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर का प्रास, का प्रास क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसको हमें हमेशा ध्यान रखना है y के बराबर लेना है, इसके बराबर लेना है, y के बराबर इसको हमें लेना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसको ट्रांसफर, ठीक है, 2x इज इक्वल टू y 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड 2x इज इक्वल टू 3y, और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर वाई की, ठीक है, इसको x के पदों में यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का 2x, और यहाँ पे माइनस का 3y, ठीक है, और इस प्रकार से मैंने इसको निकाल लिया। देट यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों अगेन यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ से 0, ठीक है, और ये माइनस का साइन यहाँ से हटा देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू यहाँ पे 0, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट अगेन यहाँ पे x क्या है, रियल है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे b क्या है दोस्तों, यहाँ पे माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 इंटू a, a क्या दोस्तों यहाँ पे y है, और c क्या दोस्तों यहाँ पे 3 है, ठीक, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 4 माइनस 4 3 12 y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, एंड यहाँ पे मैं इसको 4 को काट देता हूँ, यहाँ पे 1 माइनस 3 वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करा दोस्तों इसी प्रकार से आगे, यहाँ पे मैं माइनस का 3 वाई स्क्वायर आगे ले लेता हूँ, और यहाँ पे प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये माइनस को हटा रहा दोस्तों 3 वाई स्क्वायर और माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पे ग्रेटर देन का लेस देन आगे, ठीक है, क्यों यहाँ माइनस में यहाँ से हटा रहा, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे इसमें आगे सिचुएशन किस प्रकार से बनने वाली है, ठीक है दोस्तों। क्या मैं इसको यहाँ पे अंडर रूट 3 वाई माइनस का 1 और अंडर रूट 3 वाई प्लस का 1 ऐसा इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पहले से क्यों लिखा, ठीक है, यानी अंडर रूट 3 वाई माइनस 1 अंडर रूट 3 वाई प्लस 1, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको लिख दिया, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसका जो वैल्यू रहेगा लेंथ का उसकी हम बात कर लेते हैं, यानी क्रांतिक मान हमारे पास क्या है दोस्तों, इसके क्रांतिक मान हमारे पास आ रहा है माइनस का 1 बटा रूट 3 से प्लस का 1 बटा रूट 3, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस का अनंत से प्लस अनंत, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1 बटा रूट 3 से प्लस का 1 बटा रूट 3, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये प्लस का है, ठीक, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, और यहाँ पे साइन कौन सा लगा दोस्तों, यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन लगा, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों तो इसका रेंज रहेगा, ठीक है, इसका जो रेंज रहेगा वो क्या रहेगा, एक्स इज एप्सिलॉन 2 यहाँ पे माइनस का 1 बाई अंडरूट 3 और 2 यहाँ 1 बाई अंडरूट 3, ठीक है दोस्तों, इसके बीच का यहाँ पे ये रहने वाला है, ठीक है, आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ इसी प्रकार से यहाँ पे आगे, इसको एक बार जल्दी से दोस्तों उतारे, फिर बाद में नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है।
देखो यहाँ से मैं हटा देता हूँ दोस्तों, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम आगे कोशिश करते हैं। एक और जो ऐसा कैसा दोस्तों क्वेश्चन रहने वाला, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेट रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा रहेगा ज्यादा तो नहीं रहने वाला। देखो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आई थिंक आपने कर लिया दोस्तों, ठीक है, और साथ साथ में करना है और समझना भी है, ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखें दोस्तों। अगर समझ में नहीं आता किसी भी स्टेप में तो मुझे पूछ सकते दोस्तों यहाँ पे आप, ठीक है, किसी भी स्टेप में अगर आपको डाउट रहता है तो दोस्त प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम फाइन से भी आप मेरे साथ टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हो, सारे के सारे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिए, ठीक है, ट्यूशन और मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा, या इसी डिस्क्रिप्शन जैसे कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ fx is equal to यहाँ पे x square minus x plus 1 divide by x square plus x plus 1, ठीक है, एंड यहाँ पे का परिसर, ठीक है, का परिसर क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों, इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, x square minus x plus 1 divide by x square plus x plus 1 को y के बराबर लिए, ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करते हैं, x square minus x plus 1 is equal to y, x square, x कैलकुलस से ले दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें और सॉल्व करने की कोशिश करें इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों x square minus x plus 1 is equal to यहाँ पे y x square और y x plus y, ठीक है, यहाँ पे x square वाले पदों के पास पास लिख रहा हूँ, यहाँ पे x square कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे y बचेगा दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का x और ये जस्ट मैं कह रहा दोस्तों y x, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों माइनस के रहेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 और प्लस का y, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास रहना है माइनस का, और इधर भी माइनस से आते माइनस कॉमन ले ले तो प्लस का 1 और प्लस का y यहाँ से, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 1 minus y, ठीक है, 1 minus का y, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास हो गया, और इधर क्या बचा, 0 बचा, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या गया दोस्तों, द्विघात समीकरण आ गए, जिसके अंदर यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों x वास्तविक संख्या है तब b square minus का 4ac is equal to 0 होता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते, देखो यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे एक स्टेप कहीं पे लिख देता हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी मुझे जगह की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली, ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों बी स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ पे माइनस का 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस का 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये माइनस का साथ में, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट इस प्रकार से इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों, माइनस का 4 इनटू ए इज द 1 माइनस वाई, ठीक है दोस्तों, 1 माइनस वाई और सी इज द 1 माइनस वाई, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूं दोस्तों इसका 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर देते हैं, फिर 1 प्लस 2 वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4 और यहाँ पे 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर देते हैं, यहाँ पे 1 माइनस 2 वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस प्रकार से इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ आ रहा है दोस्तों, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बात कर लेता दोस्तों अगेन, देखो 1 माइनस का 4 दैट यहाँ पे माइनस का 3 2 वाई माइनस का माइनस प्लस 10 वाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, देखो प्लस का 2 वाई और माइनस का माइनस माइनस प्लस 8 वाई, 1 प्लस 2 प्लस 8 10 वाई हो जाएगा, और वाई स्क्वायर और ये माइनस का 4 वाई स्क्वायर, माइनस का 3 वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब इसको देखो थोड़ा सा और अगेन इसको मैं आगे ले लेता हूं, ठीक है, 3 माइनस का 3 वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई माइनस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ माइनस हटा रहा दोस्तों, तो यहाँ पे प्लस का 3 वाई स्क्वायर माइनस का 10 वाई और यहाँ पे प्लस का 3 लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन की जगह यहाँ पे क्या गया दोस्तों, लेस देन का लेस देन इक्वल का साइन आ गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसको तोड़ डाल, ठीक है, 3 × 3 9 होता है, और 9 को यहाँ पे 9 × 1 10, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 3 वाई स्क्वायर माइनस का 9 वाई माइनस का वाई प्लस का 3 = 0, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या है दोस्तों हमारे पास, इन दोनों में से 3 आ रहा है y को मारा, देट यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, एक y बच रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, इधर से हमारे पास माइनस का 1 कॉमन ले ले तो y माइनस का 3
आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यानी यहाँ पे तीन वाई माइनस तीन अगेन कॉमन आ रहा है और तीन वाई माइनस का एक, ठीक है, इस लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास सिचुएशन बन रही, मतलब जो हमारे पास क्रांतिक जो मान आ रहे हैं वो क्या आएगा दोस्तों, एक तो तीन आएगा, ठीक है, यहाँ से आएगा एक बटा तीन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको एक बार क्रांतिक मान यहाँ से बना के लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको अच्छे से अच्छे से दिख रहा है नीचे से। ठीक, और यहाँ पे माइनस का देखो, यहाँ पे वन बाई थ्री से, वन बाई थ्री से थ्री तक। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैं कैसे कर इसका जो रेंज रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, ये प्लस है हमारे पास, ये माइनस है और ये प्लस है, और लेफ्ट हैंड इक्वल का साइन है, मतलब यहाँ पे एक बटा तीन और तीन को साथ में लेंगे, एक बटा तीन और तीन को यहाँ पे साथ में लेते हुए एक बटा तीन और तीन के बीच की वैल्यू लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड इक्वल का साइन है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास ये आंसर है। और आज के सेशन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, और आज के सेशन में इतना ही रख रहे हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर ही भी हम रेंज और प्रास की ही बात करेंगे। ठीक है, रेंज और प्रास की ही बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब जो भी हमारा सॉरी यहाँ पे प्रांत जो भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन की हम इधर से उधर लेके हम बात करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर और भी कुछ नया टॉपिक आने वाला है। ठीक, तो आज के सेशन में दोस्तों इतने रख रहे हैं, और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं। पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज इधर अगर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक भी करें, जिससे कि हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।